मौलवी साहब, यहाँ पर जहाद या फिर साइंस? ये जहाद भी और साइंस भी दोनों ही। अच्छा, जहाद किसके साथ सबसे पहले? जहाद सबसे पहले अपने नफ्स से है। जहाज सबसे पहले अपने नफ्स से है। अगर अपने अंदर का नफ्स खत्म हो गया तो फिर सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। गज़वा हिंद बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? गज़वा हिंद के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जब वो होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हक हो जाएगा इंशाल्लाह। गज़वा हिंद किधर, किस तरफ होगा? हिंदुस्तान की तरफ? हिंदुस्तान की तरफ होगा। हिंद तो असल तो नाम पाकिस्तान का, यहाँ पर इंडस रिवर से निकला। असल में हमारी हिंदुस्तान में मुसलमान हमारी काफरों से जंग है और किसी से नहीं। जो अब देखिए कुरान पाक की बेहरमती हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती हो रही है, ये क्या मामला है? कभी किसी ने उनके जो भगवानों का भी किया है या किसी के हज़रत ईसा अलैहि सलाम के बारे में? तौबा, हमारे भी नबी हैं वो, हम क्यों ऐसे करें? मुसलमान ऐसा इंसान है जो किसी नबी औलिया कराम नबियों की तोहीन नहीं करता। सर, हिंद का नाम जो है वो ओरिजिनल जो हिंद है वो पाकिस्तान है। आप इंडस रिवर को देखेंगे कहाँ से निकला हिंद, इंडस सिविलाइजेशन होती थी यहाँ पर। तो अगर देखेंगे हिंद जो है ओरिजिनल पाकिस्तान है, इंडस रिवर कहाँ से गुजर रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ गज़वा हिंद होगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं होना, गज़वा हिंद है ना जो जी। वो होगा सिर्फ अहले ईमान करेंगे काफरों के साथ। अच्छा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक के फरमाने अली शान के मुताबिक जो मुसलमान है वो गालिब आएंगे। अच्छा जी जी, सही हो गया। मुसलमान का मतलब ये है कि जो मोमिन है, जो हर चीज़ को अदा करता, नमाज पढ़ता, फ़राइज अदा करता। क्या हम हमारे इस्लाम, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर हम इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं, नबी की कितनी मानते हैं, क्या कुरान की मानते हैं, क्या कुरान को सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है इनको? यही तो बात है, जब हम कुरान को अपने सीने में डालेंगे, पाँच वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल बकरा आयत नंबर में इरशाद फरमा रहा है, वह अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मा राकईन। ए ईमान वालों, नमाज कायम करो, ज़कात दो रुकू करने वालों के साथ। लोग ज़कातों में भागे हुए, अमीर लोग हैं वो अंदर रखते जा रहे हैं, ये सारा सप बनेगा। तो नमाज कायम करो, ज़कात दो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी कि बाजमात नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि नमाज पढ़ो, हम नमाज से गाफिल हैं। और क़यामत वाले दिन जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तुम किस चीज़ ने जहन्नम में डाला, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये नमाज सबसे बड़ी कामयाबी है दुनिया में भी और आखरत में भी। हम नमाज पढ़ेंगे, पांच वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दुआएं भी मालिक कबूल फरमाएगा। ये जो सारे मामलात हैं अल्लाह ताला हुक्मरान भी फिर अच्छे अता फरमा देगा। आखिरी सवाल पूछूंगा वुमेन फ्रीडम के लिए, अगर यहाँ पर पाकिस्तान में देखेंगे हमारे वुमेन कामों में इतना हिस्सा नहीं लेती, क्या समझते हैं आपके, क्या औरतों को भी इजाज़त देनी चाहिए कि वो काम करें? अगर अपने घर के अपने हालात को मुल्क के अगर देखेंगे तो मुल्क की बागडोर जहाँ पर मर्द है वहाँ पर औरतें भी संभाल रही हैं। दुनिया की तारीख में देखेंगे जो तरक्की कर गए मुल्क वो इसी से हैं कि जहाँ मर्द के शाना बशाना कामों में औरतें साथ देती हैं। तो क्या समझते हैं देना चाहिए औरतों को साथ, क्या इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई आप काम करो बाहर जाकर, या कोई ऐसा बिजनेस करो जहाँ पर मर्द के साथ आप हाथ बटा सकते? भाई जान, पहली बात तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि औरत की जो कमाई बंदे खाते वो हराम है, ठीक है। मतलब औरत की कमाई बंदे खा ही नहीं सकते? नहीं खा सकते, हराम है। हाँ, अगर वो घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाती है, उसके उससे जो वजीफा उसको मिलता है वो भी जायज़ है। उसके बाद जो और बंदा उससे ले नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, ठीक है। और जो बंदा है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत, किस लिए कि औरत घर में है, वो घर की चार दीवारी के अंदर रहे, और मर्द है जो बाहर जा कमा के उसके खिलाए, उसके ये हकूक में शामिल है। तो मर्द को चाहिए जैसा चाहे जैसे करे, मजदूरी करे चाहे जो भी मेहनत करे, हक हलाल की रिजक जो अपने बच्चों को ला कर दे। और औरत अपनी चार दीवारी में, ये केले का छिलका है ना, उसको केले के छिलकों को हम उतार के नीचे फेंक दे तो मक्खियाँ आ जाएंगी। वही अगर उसको पर्दे जो उसका छिलका नहीं उतारेंगे, वो छिलका नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, क्या नीचे फेंक दे मक्खियाँ तो नहीं आएंगी उधर। इसी तरह औरत की मिसाल है मेरे भाई, अगर औरत बाहर जाएगी, अब क्या देखें, पिछले दिन जो ट्रेलर चला था मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये क्या था? उसके बाद फिर क्या हुआ, माल के कहनात कोरोना जैसी मूजी मर्ज इस दुनिया में मुलव्वस कर दी। तो क्या फिर जो बंदे भी हैं वो भी मुंह ढांप रहे हैं, औरतें भी मुंह ढांप रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर तीन तलाक पर पाबंदी लगा दी गई है कि जो अदालत के थ्रू जो तलाक होगा सब माना जाएगा, अदरवाइज तीन तलाक की वो ख़त्म कर दी। तो वहाँ की औरतें बड़ी खुश हुई, मोदी की नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बनाकर पुतला बनाकर उनकी मतलब कि पूजा करने पर उतर रही हैं कि आपने हम पर एहसान किया कि तीन तलाक को ख़त्म कर दिया। ये सब बेदीनी और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शरीयत से बगावत है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहले ये कानून तो अब चले हैं ना, अगर हम शरीयत लें हजूर के फरामीन, फिर निकाह भी छोड़ दें, निकाह भी ना करें, ये भी शरीयत में शामिल है।
या निकाह क्या है, ठीक है वैसे मियाँ बीवी दोनों रखें कोई बात, निकाह पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर जब निकाह पढ़ना बकायदा तौर पर, तो फिर जो शरीयत ने हुक्म दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर तलाक एक है, दो कह दी, तीन कह दी, शरीयत के मुताबिक तलाक होगी, उसको माने या ना माने। तीन तलाकें मैंने दे दी, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अपने बीवी को तीन तलाकें दे दी, उधर जाए अदालत में, जी अदालत के हम तीन तलाकों को नहीं मानते, आप जायज़ हैं, तो वो हराम होगा, जो उसमें बच्चा पैदा हुआ हराम का बच्चा पैदा होगा। जो शरीयत ने कह दिया जब बंदा तीन तलाके, और एक बंदे ने सवाल किया हज़रत साहब ये बताएं गुस्से में तलाक हो जाती, मैंने कहा भाई गुस्से में तलाक होती है, खुशी में कोई बंदा कहता है या जा मैंने तुझे तलाक दे। चले मौलवी साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे सख्त से सख्त सवाल के भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा बात करके। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में मुलाजमत करता हूँ। तो कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के? हालात बहुत ख़राब है, गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। तो गुजारा करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हालात का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है और कौन है, हम तो वक्त है। बिल्कुल। क्या इन सब हालात के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही, जहाँ पर हम खाना नहीं खा सकते, यहाँ पर हम दाल चावल हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है, क्या इन हालात के बीच में हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते। नहीं, बहुत मुश्किल है, हर बंदे को रोटी की फिक्र है, लड़ना किसने है जाके वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि हम मुकाबला कर सकते हैं बगैर रोटी के, भूखे रह के भी। बहुत बहुत मुश्किल है। क्या लगता है कि आपको इन हालात के बीच में हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है पाकिस्तान? नहीं, कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल। मैंने बताया हम सुबह 8 बजे जाते हैं काम पे, 25,000 रुपये तनख्वाह सुना है गवर्नमेंट ने, 32,000 किया है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कौन सी गवर्नमेंट, वो तो निगरान है, ये है वो, उसके इख्तियारात ही नहीं, 25,000 सुबह 8 बजे जाते हैं, अब आए हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, और 25,000 में से हम बिहाड़ी शहर के यहाँ रहने वाले, इधर मकान का किराया भी है, ठीक है, रोटी का खर्चा भी है, फिर बच्चों को कौन सा देना है खर्चा, बहुत मुश्किल है। घर अपना नहीं, इधर किराए पे, उधर गांव में हमारा अपना हुआ। ओए होए होए। तो इन सब हालात के बीच में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। बिल्कुल जी। उसने अपनी आवाम को यहाँ पर जो पेट्रोल हमें 350 का लीटर मिल रहा है, वहाँ पर 90 रुपये लीटर है। वो तो ठीक है, यहाँ पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ ही महंगी, जिसको चीज़ को हाथ लगाएं वो महंगी है। हम गरीबों का तो नहीं इसमें कसूर है, हम तो लोगों को वोट देते हैं, ये ऊपर जो भी आता, इमरान खान आया, नवाज शरीफ आया, बेनजीर आई, जो भी आया, ये हालात नहीं बदल सके। अच्छा, हाँ जी, कौन बदलेगा ये हालात? भले अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह करम करेगा, इनको सारों को गर्व करेगा और कोई अच्छा बंदा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के घर से उम्मीद तो है। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, ताकतवर इतना हो गया कि वो कनाडा को कह रहा है, कनाडा के वीज़े उसने बंद कर दिए अपने मुल्क के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई कनाडा ने हम पर इल्ज़ाम लगाया तो हम कनाडा के वीज़े ही बंद करेंगे। वो दुनिया को आंखें दिखाता है, अमेरिका का जो बाइडन भी अभी हिंदुस्तान आया हुआ है, वो अपनी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, यहाँ पर हमारे हालात ये हैं कि हम रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि आपको क्या अभी रिलेशन उनके साथ हालात बेहतर कर लेने चाहिए हमें? हाँ जी, हम साया है, रिलेशन तो अच्छे होने चाहिए, पर वो भी शरारतें करता है, सच्ची बात आपको बताऊँ तो, हालात उसकी भी जिम्मेदारी भी है, हमारा हमसाया, हमारा ख्याल करना, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका ख्याल करना चाहिए, तो यही है हालात आपके सामने हैं। बिल्कुल सही। क्या मुस्तकबिल देखते हैं अपने बच्चों का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, क्या हालात देखते हैं कि क्या आने वाले टाइम के लिए आपके बच्चे खुशहाल हो सकते हैं इस मुल्क में? नहीं, फिलहाल तो नहीं नज़र आता, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा। आपने क्या सोचा मुस्तकबिल का? मुस्तकबिल में क्या सोचना है, ये काम पे गए हैं, आ गए हैं, इसके अलावा क्या सोचना है? इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं, इसके अलावा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम रोटी की जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम एनर्जी की जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम क्राइसिस की जंग लड़ रहे हैं, क्राइसिस से जंग लड़ रहे हैं कि इस वजह से कि हमारा आज का दिन गुजर जाए, फ्यूचर की क्या प्लानिंग करनी है हमने कि हमें आज की रोटी मिल जाए तो हमारे लिए वही बहुत है। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम। सामने देखना आपने, नाम आपका? मंजूर आलम। क्या करते हैं? मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर, आपसे बात करने का पर्पस है कि पहले तो ये बताएं करते क्या हैं? मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया, आपसे बात करने का पर्पस है कि क्या सिचुएशन है मुल्क की, क्या हालात है, इन सारे सिचुएशन को देखते हुए क्या हम भारत इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जो कि 5वीं बड़ी सुपर पावर बन गई है? हुकूमत ने अवाम को ना तो बोलने जोगा छोड़ा है,
ना कुछ करने जोगा छोड़ा। क्या लगता है कि आवाम इंडिया का मुकाबला कर सकती है इन हालात के अंदर? आवाम मुकाबला करेगी? हम मुकाबला कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंडिया, पाकिस्तान, आवाम, मौलवी साहब सब? मेरे हिसाब से नामुमकिन सी बात है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ क्यों? क्योंकि हालात ही मुल्क के इस तरह के हो गए। क्या समझते हैं आपके, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि इंडिया का मुकाबला ना कर सकते हो? हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्या आप इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, हम एक दूसरे भाई का मुकाबला नहीं कर सकते? आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, आप दूसरे ममालिक की बात करें, हमारी कंडीशन ये हो गई, हम सिर्फ अपने जोगे रह गए हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए रह गए हैं फ़कत अपनी चीज़ के। हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ करके शाम के टाइम के लिए रोटियां ले जाएं, दो टाइम की बच्चे रोटियां खा लें, बस इतने जोगे रह गए, और कोई हमारा सरकट नहीं है, हमारा कोई वसाइल नहीं है। अवाम, पाकिस्तानी अवाम की ये पोजीशन बन गई है, और सरमायादार तो अमीर तरीन हो गया, अमीर से अमीर तरीन हो गया। आगे चलूँगा मैं किसी और से तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? ज़ाहिर ज़मान। क्या करते हैं? बस कुछ काम मजदूरी करते हैं, रेडी चलाता है शरबत का। अच्छा, तो खान साहब आप मुझे बताइएगा, क्या हमारा जज्बा महंगाई के साथ ख़त्म हो गया? जो भी जिससे मैं पूछता हूँ कहते हैं कि क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है। यार वो बात आपकी बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं मुकाबला, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये आपने लोग छोड़ेगा ना इधर, तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये अपना जब छोड़ेगा तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जब नहीं छोड़ेंगे मतलब हम कर ही नहीं सकते? नहीं, ये कभी इधर भगाते लोगों को, कभी इधर भगाते, कभी तेल महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कभी क्या महंगा, तो इससे क्या होएगा? इससे तो हमारा कोई नहीं होएगा, ना हम उससे मुकाबला कर सकते, लेकिन जब एक जगह पे छोड़ेगा कुछ सस्ता हो जाएगा, कुछ लोगों के पास कुछ होएगा पेट के लिए, खाने के लिए, तो फिर हम कर सकते मुकाबला, ये नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले की बात है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर पाकिस्तान आता था, वो हिंदुस्तान जाता था, तो पहले वो पाकिस्तान होकर फिर हिंदुस्तान की तरफ जाता था, या उसने हिंदुस्तान जाना तो पाकिस्तान से होकर, या पाकिस्तान से होकर फिर हिंदुस्तान जाता था। लेकिन अभी हमारे मुस्लिम मुल्क ही हमारे, हमें कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन इंडिया की तरफ